पैन कार्ड आ चुका है हमारा, तो यहाँ से आप आसानी से अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर तो सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल तुलसी पटेल क्रिएशन में फिर एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम हमारा ई पैन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमारा पैन कार्ड लॉस्ट हो गया है या कहीं रख के भूल गए हैं, तो हम वापस नया पैन कार्ड कैसे मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ हमें सर्च करना होगा NSDL ई पेन। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये आ गया है डाउनलोड ई पेन कार्ड NSDL। हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर हो तो वो डाल के भी निकाल सकते हैं, और या तो आप मैनुअल पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड की डिटेल डाल के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, तो जैसे मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में नीचे डालना है आपको पैन नंबर, शायद गलत हो गया है, एक और बार डाल देता हूँ। नीचे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आपको मंथ ऑफ बर्थ, तो मेरा जैसे मई है, उसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ ये डालना है आपको। उसके बाद में ये जो वेरीफाई करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको ई केवाईसी की तरफ से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करके या नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद में हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नई टैब ओपन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर बता रहा है लास्ट में, उसके बाद में ईमेल आईडी दिखा रहा है, पिन कोड बता रहा है। तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो उस पर भी ओटीपी भेज सकता है, मोबाइल नंबर हो तो उस पर भी भेज सकता है, और अगर आपके पास दोनों है तो बोथ पे क्लिक कर दें। तो मेरे पास अभी ऑनलाइन सिर्फ मोबाइल नंबर है, तो मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे टिक करना है। उसके बाद में जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी आने में कुछ समय लग रहा है, ये देखिए ओटीपी आ चुका है। उसके बाद में वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यू विथ पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 8 रुपये का पेमेंट होगा, 8.26 रुपये का। तो नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करना है, और प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है हमें। पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी यूपीआई आईडी है सिर्फ। तो मेक पेमेंट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं मेरी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। और मेक पेमेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो फोन पे पे नोटिफिकेशन आएगा, ये आ चुका है मेरे। यहाँ पे मैं इसे पे कर देता हूँ। ये पे हो चुका है मेरा पेमेंट। अब इसे बैक कर देता हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिक नई टैब पे चले आएगा। यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ये देखिए,
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ये ट्रांजैक्शन का नंबर है, ये डेट, पेमेंट अमाउंट। तो अब हमें नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करना है हमें। तो देखिए पेमेंट की रिसिप्ट हो गई है। उसके बाद में ये जो लिखा है डाउनलोड ई पेन, हमें इस पर क्लिक करना है। तो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सएमएल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ इसे। तो देखिए जिसे मैंने डाउनलोड किया ये आ चुका है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड में आपकी पूरी जन्म तारीख डालना होगी। तो मैं जैसे लॉगिन कर लेता हूँ और ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पैन कार्ड आ चुका है हमारा। तो यहाँ से आप आसानी से अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपसे किसी वजह से डाउनलोड ना होता हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दूँगा। इसमें जो चार्ज लगा है उससे थोड़ा बहुत ऊपर चार्ज लूँगा मैं मेरी मेहनत का, तो वो आपको पे करना होगा। उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई अपडेट मिल सके। मैं इसी तरह की और भी वीडियो लाता रहूँगा। हम फिर मिलेंगे हमारी दूसरी वीडियो के साथ।